नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। ब्यावरा भारतीय जनता पार्टी के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के पीपलहिला एवं ब्यावरा मंडल के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन आज ब्यावरा के बल्लभ परिसर मुक्तिधाम मार्ग ब्यावरा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। ब्यावरा एवं पीपलहिला मंडल के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में ब्यावरा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार को विजयी बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर जिले के सांसद रोडमल नागर, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, नरसिंहगढ़ विधायक राजवर्धन सिंह, पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी, पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी, पूर्व विधायक मोहन शर्मा सहित जिले के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। एकजुट है भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। और सही बात बताऊं मैं, सरकार गिरे ये भाव अगर कहीं पैदा हुआ था मन में, किसी ब्यावरा नगर में पैदा हुआ था। लेकिन 2018 का चुनाव हो गया, हमें 3-4 सीटें कम मिली और हारी भी कैसे थे जरा सोचो। एक सीट हारे 121 वोट से, एक सीट हारे 230 वोट से, एक सीट हारे 350 वोट से, एक सीट हारे 400 वोट से, एक सीट हारे 530 वोट से, एक सीट हारे 800 वोट से। 1000 वोट के नीचे हारने वाली कई सीटें थी। कई बार थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, कौन चक्कर में पड़े, लेकिन एक एक वोट का महत्व इस चुनाव ने बता दिया। अगर 3 सीटें और आती तो ये कमलनाथ और कांग्रेस की दुष्ट सरकार आज ही नहीं पाती। अच्छा, वोट नंबर को ज्यादा मिले थे, जीते वहां बंपर जीते जा रह गए, वहां थोड़े थोड़े से रह गए। मुझे उस समय भी आफत थे, निर्दलीय विधायक बाकी साथी कह रहे थे चिंता मत करो हम आ रहे हैं, दावा मत छोड़ना। लेकिन दिल ने कहा कि शिवराज होंगे कौन, अगर सीट ज्यादा नहीं मिली तो काय को अपना दावा करें। पर नरसिंहगढ़ राजगढ़, नरसिंहगढ़ में हम जीते थे, लेकिन राजगढ़ जिले के चुनाव परिणाम देख के मेरे मन में बहुत तकलीफ हुई थी। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, तकलीफ इसलिए मेरे दिल में हुई थी, राजगढ़ जिले के बहनों और भाई ब्यावरा वालों, इस जिले के विकास में मैंने जी जान लगा दी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। याद करो 10-10 साल यहां मुख्यमंत्री रहे, जो यही के मुख्यमंत्री माने जाते थे, एक इंच सिंचाई की व्यवस्था तुमने नहीं की। राजगढ़ जिले की खेती पानी के अभाव में सूखी रहती थी, किसान जितना बोता था उतना भी नहीं काट पाता था। मेरे नेतृत्व के कारण, विधानसभा विधायक साथियों के कारण, कार्यकर्ताओं के आग्रह के कारण, हमारा संकल्प था कि राजगढ़ जिले को पंजाब की तरह नंदन वन बना के छोड़ेंगे। और एक के बाद एक सिंचाई की योजना है, चाहे मोहनपुरा हो, कुंडलिया हो, बाद में हमने ब्यावरा की व्यवस्था की, सुधार लिया। अगर मैं ये सारे काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। आज दिल पे हाथ रख के बताना, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे शहरों का विकास हो, दिल पे हाथ रख के कार्यकर्ता बहन और भाइयों मुझे बता देना, जितना शिवराज सिंह चौहान ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? जोर से बोल के बताओ, किया था क्या? दिल्ली राजा, शर्म आनी चाहिए यार। सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, पर कुएं के पास ही लोग प्यासे छोड़ दिए तुमने, क्या दे दिया तुमने? कोई विकास नहीं, कोई जनता का कल्याण नहीं। शायद ये लोग ये मानते थे ट्रैप कटिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बेईमानी उन्होंने की, लेकिन मैंने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए माय कलेक्टर के, एक बार फिर से जांच करो और जायज है उनको बीमा का क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन एक पैसा नहीं मिलता हमारा भैया, क्योंकि उसके प्रीमियम जमा नहीं किया भैया को, मैंने वो प्रीमियम जमा करके किसानों के खाते में जमा करवाए। 22,000 किसानों के 4,688 करोड़, जरा लगा ना भैया गिनती, 3,100 करोड़ और 4,688 करोड़ कितने हो गए? 7,000।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वज्र संकल्प है भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का। हम भारी बहुमत से चलेंगे। मंदसौर वाले फोटो पर पीसी शर्मा ने कल कमेंट किया था कि आप मंदसौर की जनता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जल्द 10 सितंबर को पूरा भी हो जाएगा। ये हमारे संस्कार है रे, जनता के सामने विनम्र होना, जनता का आभार प्रकट करना। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। और इसलिए जब मैं कल मंदसौर गया, मंदसौर जिले में गया, मैं कायमपुर में, चूँकि मंदसौर ने सारी की सारी सीटें जिताई थी, नीमच मंदसौर ने केवल 1-3 वोट से हारे थे, तो मैं तो दिल से राजनीति करता हूँ। मैं घुटने के बल बैठ के मैंने अपनी जनता को प्रणाम किया। एक बार नहीं, 1,00,000 बार जनता के सामने शीश झुकाऊंगा। मैं दम्भी और अहंकारी नेता नहीं हूँ। आप सर, इस सब सर इस विधानसभा सीट पे आपसी नाराजगी भी वास्तव में नजर आई है। आपको भी धन्यवाद। आज आप लोग ब्यावरा आए थे, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, किस तरह का जो मैसेज गया? बहुत अच्छा मैसेज गया। जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उसने उसके पहले जो भाजपा की शिवराज जी की सरकार थी, उसकी योजनाएं सब बंद कर दी थी। और सम्मान्य वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस योजनाओं को पुनः चालू किया। आम जनता, आम मतदाता बहुत खुश है और पुनः जो है इस सीट को भाजपा के खाते में जबरदस्त वोटों से यहाँ की जनता देगी। यहाँ स्थानीय नेताओं ने कुछ दिन पहले विरोध किया था, क्या सब एकमत है इस समय? नहीं, सब एकमत है। टिकट मांगने के लिए तो हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है, लेकिन वोट देना और दिलवाने के लिए सब कार्यकर्ता एकमत और एक साथ हैं और सब तन मन धन से पार्टी की मदद करेंगे। आज जैसे शिवराज जी मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या मैसेज दिया गांव में जाकर के, ये जो किस तरह से काम करेंगे, क्या बताया, क्या संदेश दिया? उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय टीम, प्रदेश की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, इसके अलावा जो है हमारे बूथ तक हमारे टीम रहती है और पन्ना प्रमुख, मतलब एक पेज में 60 मतदाता है तो एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को 60 ही मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य किए हैं और करेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट, मतलब एक एक वोट को घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने की जवाबदारी उन लोगों की है। खबर समय जगत ब्यावरा से प्रदेश रिपोर्टर सुदामा शर्मा के साथ संवाददाता शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.